मध्य प्रदेश की महिला तथा बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक नया मामला सामने आया है। गणतंत्र दिवस पर इमरती देवी मुख्यमंत्री का लिखा हुआ संदेश नहीं पढ़ पाई तो बाकी का संदेश कलेक्टर भरत यादव द्वारा पढ़ा गया। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में इमरती देवी की बेहद आलोचना की जा रही है। ग्वालियर में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में इमरती देवी टूटे फूटे और अटक अटक कर थोड़ा बहुत संदेश पढ़ पाई और फिर मंच से बोल दिया अब कलेक्टर साहब पढ़ेंगे, यह बोल मंत्री पीछे हट गई और फिर कलेक्टर ने सीएम के संदेश को पूरा किया। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अनुज और विधायक लक्ष्मण सिंह की पत्नी रवीना सिंह ने कहा कि मंत्री हो या घरेलू महिला, हर एक को कम से कम पढ़ना लिखना तो आना चाहिए। रवीना सिंह ने ट्वीट कर तंज कसा कि 8 बार लक्ष्मण सिंह चुनाव जीत चुके हैं, क्या वजह है कि उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई। उल्लेखनीय है कि 3 बार से लगातार चुनाव जीतने वाली इमरती देवी ने हाल ही में विधानसभा में अपने शपथ पत्र में यह कहा था कि उन्होंने अपने आप को 12वीं पास बताया। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। इमरती देवी का यह कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वे इसे नहीं पढ़ पाई और वे अस्पताल में भर्ती भी हैं। उनकी आंखों में धुंधला सा दिख रहा था और जल्दी ही वे आंखों का ऑपरेशन भी कराएंगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।